दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। भारत की टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो वही कुछ खिलाड़ियों की इंडिया की टीम में एंट्री हुई है। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वो 11 खिलाड़ी जो पहले टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरने वाले हैं, साथ में बताएंगे कि आप कैसे इस सीरीज को फ्री में लाइव देख पाओगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी फ्री में 500 रुपए जितना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां हमने 500 रुपए का गिव अवे रखा है। सही जवाब देकर आप इस गिव अवे को जीत सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस बार टीम इंडिया को काफी लंबा ब्रेक दिया गया, क्योंकि आने वाले क्रिकेट के सीजन में भारत की टीम को ज्यादा टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसके लिए भारत की टीम पूरी तरह से तैयार हो सके। भारत के प्लेयर्स ने अपना वीकेंड सीजन अच्छे से एंजॉय किया। वही भारत के कुछ अहम खिलाड़ी हैं जो दलीप ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है। बता दें कि अब भारत को ज्यादा ब्रेक नहीं मिलने वाला है, भारत को लगातार अंतराल पर सीरीज खेलनी है और साथ में WTC फाइनल की भी तैयारी करनी है। वही फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो ऐसे में ये सीजन काफी एक्साइटमेंट वाला रहने वाला है। बता दें कि भारत के इस सीजन की शुरुआत होगी बांग्लादेश की सीरीज के साथ में, जहां बांग्लादेश की टीम भारत का दौरा करने वाली है। आपको बता दें कि इस दौरे पर भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाने वाली है, जहां पहले टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। जी हां, टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 से 23 सितंबर तक खेला जाएगा, जो कि M.I. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। वही दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेला जाएगा, जहां इस सीरीज के लिए भारत के स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। वही भारत की टेस्ट टीम में ऋषभ पंत का कमबैक हो चुका है। इसके अलावा आकाशदीप और यश दयाल को टीम में चुना गया है। जहां टीम इंडिया के स्क्वाड में भारत के लगभग सभी खिलाड़ी हैं को दलीप ट्रॉफी में अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स जल्दी ही अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। वही आपको बता दें कि इस सीरीज को आप मोबाइल पर जियो सिनेमा लाइव देख पाओगे, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। अगर आपको ये सीरीज फ्री में देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां हम मैच से पहले लिंक डाल देंगे। वही अब पहले टेस्ट मैच के लिए भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारत की टीम की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार गंभीर ने किन 11 खिलाड़ियों को मौका दिया है। दोस्तों अगर टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो गंभीर ने ओपनिंग जोड़ी में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को रखा है। इन दोनों की जोड़ी पिछले काफी समय से भारत के लिए ओपनिंग कर रही है और इन दोनों ने भारत को काफी अच्छा परिणाम भी दिया है। खास तौर पर कप्तान रोहित शर्मा भारत की पिच पर बांग्लादेश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि रोहित स्पिन और फास्ट दोनों को बड़े ही आसानी से खेलते हैं, जिससे सामने वाली टीम पर प्रेशर रहता है। वही दूसरी ओर जायसवाल को तो सभी जानते हैं वो किस इंटेंट के साथ में खेलते हैं। जायसवाल पहले ओवर से सामने वाली टीम पर दबाव बनाकर रखते हैं, तो ऐसे में इन दोनों की जोड़ी पर यही भूमिका रहेगी कि ये दोनों टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाए, ताकि आने वाले बल्लेबाजों का काम आसान हो जाए। जिसके बाद नंबर 3 के पोजीशन पर गंभीर ने शुभमन गिल को मौका दिया है। गिल ने शुरुआत अपने करियर की बतौर ओपनर बल्लेबाज की थी, लेकिन जायसवाल के आने के बाद में गिल ने अपनी पोजीशन कुर्बान कर दी और गिल नंबर 3 पर खेलने लगे। हालांकि शुरू में जरूर गिल को दिक्कत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे गिल ने अपने आप को इस स्थान पर एडजस्ट कर लिया। जहां आपको बता दें कि गिल भी काफी इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है भारत के लिए, इनके पास में काफी प्रतिभा है और ये इंडिया के फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। ये इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, ताकि इनकी जगह आगे आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कंफर्म हो जाए। जिसके बाद नंबर 4 पर गंभीर ने चुना है भारत के सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज विराट कोहली। विराट कोहली भारत के वो बल्लेबाज है जो हारा हुआ मैच भारत के झोली में डाल देते हैं। इनसे भारत की टीम को हर फॉर्मेट में काफी उम्मीद रहती है। इस सीरीज में भी इनके ऊपर भारत को उम्मीद रहेगी। वही विराट कोहली भी इस सीरीज में रन बनाकर अपना कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि श्रीलंका सीरीज उनके लिए काफी खराब गई थी। तो ऐसे में इस पोजीशन पर कोहली का खेलना तय है।
वही नंबर पांच के पोजीशन पर गंभीर के पास में दो ऑप्शन है, जहां गंभीर या तो सरफराज खान को खिला सकते हैं या फिर केएल राहुल को, लेकिन गंभीर केएल राहुल के साथ में जाना चाहेंगे। हालांकि सरफराज खान काफी अच्छा कर रहे हैं टेस्ट में, उन्होंने अपनी डेब्यू सीरीज में भी काफी कमाल करके दिखाया, लेकिन गंभीर अनुभव के साथ जाना चाहेंगे। राहुल के पास में अनुभव है और साथ में राहुल ने दलीप ट्रॉफी में अपनी फॉर्म भी हासिल कर ली है, वही राहुल के लिए भी ये सीरीज काफी अहम रहने वाली है। अगर राहुल इस सीरीज में रन बनाएंगे तभी वो आगे खेल पाएंगे, क्योंकि अब वो बतौर विकेटकीपर नहीं बल्कि बतौर बल्लेबाज खेलने वाले हैं। जिसके बाद नंबर 6 पर ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी हो रही है। पंत 2022 के बाद अब इंडिया के लिए टेस्ट खेलने वाले हैं। पंत में वैसे तो दिलीप ट्रॉफी में अपना कमबैक कर लिया है और बेहतरीन तरीके से उन्होंने एंट्री मारी है टेस्ट क्रिकेट में, और यही उम्मीद पंत से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रहने वाली है भारत को। पंत भारत के लिए एक अहम खिलाड़ी है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में पंत जैसा बल्लेबाज भारत को चाहिए। भारत ने पंत को काफी मिस भी किया था उनकी गैर मौजूदगी में, लेकिन अब वो स्वेग के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। अगर टीम इंडिया में ऑलराउंडर की बात की जाए तो नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलने वाले हैं। अक्षर पटेल की फॉर्म भी इस समय उनके साथ में है, वो भारत के लिए हर फॉर्मेट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्षर पटेल बैटिंग में भी काफी परिक्व है, वही गेंदबाजी में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो ये भारत के लिए 3D प्लेयर की भूमिका निभाते हैं। वही नंबर 8 पर भारत के लिए रविंद्र जडेजा खेलने वाले हैं। जडेजा भी भारत के इम्पोर्टेंट प्लेयर है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। भारत की स्पिन फ्रेंडली पिच पर तो इनके सामने कोई टिक भी नहीं पाता है। ये गेंदबाजी के साथ साथ में बल्लेबाजी भी बेहतरीन करते हैं, फील्डिंग में भी इनका योगदान भरपूर रहता है इंडियन टीम के लिए, तो इनका तो खेलना तय है। जिसके बाद बतौर ऑफ स्पिनर की भूमिका भारत के लिए अश्विन निभाएंगे। अश्विन इतने समय से भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके सामने अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी नहीं टिक पाते हैं। इनकी भूमिका इस सीरीज में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये बल्लेबाजी में भी भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप में गहराई आ जाती है। तो ऐसे में ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर, जडेजा और अश्विन की तिकड़ी खेलने वाली है। वही फास्ट गेंदबाजी की बात की जाए तो भारत के लिए जसप्रीत बुमराह का कमबैक होने वाला है। बुमराह काफी लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं और वो यहां अच्छा प्रदर्शन करके आने वाली सीरीज में कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहेंगे। वही बुमराह का फास्ट गेंदबाजी में साथ सिराज देंगे। सिराज और बुमराह की जोड़ी भारत के लिए खेलने वाली है और इनके ऊपर शुरुआत में विकेट लेने की भूमिका होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह की होने वाली है भारत की पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11। आपके हिसाब से क्या इस प्लेइंग 11 के साथ भारत पहला टेस्ट जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।